Now, come back to our extended child pose. हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम कंफर्टेबली लेट जाएंगे। आज हमारा लोअर बॉडी वर्कआउट है तो हमारी अपर बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स्ड रहेगी। नाउ One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, ten, nine, eight. Seven, six, five, four, three, two, and one. Again, छोटे छोटे पल्सेस देंगे हम अपने काफ मसल्स को। Very good. अगेन वन, अगर पहली बार आपको कंफर्टेबली ये आपने एक्सरसाइज की है तो इस बार हम थोड़ी थोड़ी इसे स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, पूरा स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड। Amazing. जैसे कि बादल जो हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हमारा सेशन भी आगे आगे बढ़ रहा है, तो देखते हैं हमारा सेशन पहले कंप्लीट होता है या बारिश पहले आती है। वेरी गुड एंड डाउन। नाउ विल रिलैक्स। And now we'll do reclined Baddhakonasan, Supta Baddhakonasan इसे कहते हैं। Relax, dance like a seesaw. Very good. Relax करेंगे अपने outer thighs को, अपने glutes को। ये पोज हमारे डाइजेशन के लिए, हमें अगर एसिडिटी होती है, जैसे हमारे एक स्टूडेंट को जो हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये पोज जो है वो एक तो बहुत कंफर्टेबल है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। सो यू शुड डू इट रेगुलरली।
अब हम इस पोज को थोड़ी देर के लिए रिटेन करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी देर मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। यू कैन क्लोज योर आईज इफ यू वांट टू टेक अ मोमेंट। Very good. Now, again, pull your legs up. And now go backwards, forward, backward, and forward. इसमें हमारा जो कोर है वो थोड़ा इंगेज रहेगा। वेरी गुड। नाउ वी डू द साइक्लिंग राउंड्स बट वेरी जेंटली। Very good. And down. Very good. Now, hands like this. थोड़ा सा अपने नेक को भी रिलैक्स करेंगे। Very good side to side twist. And now, अपनी legs को हम थोड़ा सा widely open करेंगे and now again side to side twist, अपनी legs को stretch करेंगे, जितना comfortably आप नीचे जा पाए आप उतना ही करेंगे। Very good. Stretch it out. Relax your muscles. Again, back in the position, हम फिर से cycling rounds करेंगे, but very softly. अगर आपकी लेग्स हैवी हैं तो आपको ये दिन में 10 मिनट एटलीस्ट करना चाहिए।
देखकर अपनी कंटिन्यूटी नहीं तोड़ेंगे हम। अगर टांगे थक गई हैं तो उन्हें हल्की हल्की हम स्ट्रेचिंग देते रहेंगे। वेरी गुड। Amazing. अपने हाथों की पोजीशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अपने हाथों को हम अपनी लेग्स को सपोर्ट देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पोजीशन को सही करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। Very good. Now back in the normal position. Take 30 minutes rest. Now we'll go for our next variation. हम अपनी एक टांग सीधी रखेंगे, एक टांग को फोल्ड करेंगे और कंफर्टेबली उसे पकड़ेंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी। Very good. The other leg. And the other leg. थोड़ी देर हम इसे होल्ड करेंगे। Very good. The other one. Hold the position. It's a very comfortable and light exercise. Very good. And now, both the legs. Just rock and roll. Retain the pose. अगर आपको indigestion है, gas की problem है, आपकी body जो है वो अच्छे से digest नहीं कर पा रही है, constipation है, तो आपको ये exercise करनी चाहिए। And now, relax. Take your hands. Give that a big stretch from hands to toe, from head to toe. Give it a big stretch. Very good. Come back to normal position.